एक सूटकेस एंड इट्स अ बैग, ठीक। जो सूटकेस का वेट है इट्स 3 kg 360 grams एंड वेट ऑफ दिस बैग इज 240 grams। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल वेट, टोटल इन दोनों का कितना वेट बनता है सूटकेस प्लस बैग का, वो हमें निकालना है। तो उसका हमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है? डियर स्टूडेंट बताइए। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखा गया है वेट ऑफ ए सूटकेस। सूटकेस का कितना वेट है? 3 kg 360 ग्राम। तो यहाँ पे हम केजी में लिखेंगे 3 और ग्राम में लिखेंगे 360। उसके बाद हैंड बैग का वेट जो है दैट इज 240 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 240। देन हम इन दोनों का करेंगे एडिशन, ठीक, यानी प्लस करेंगे। तो 0 + 0 0, 6 + 4 10 होते हैं, 0 लिखेंगे, 1 आएगा कैरी, ठीक। 3 + 1 4 4 + 2 6। उसके बाद 3 + 0 3, यानी लगेज का टोटल वेट बनता है 3 kg 600 ग्राम। आप ये जल्दी से कर लीजिए अपनी बुक्स पे, पेज नंबर 35। मैम काम दिखाइए। मैम कौन सी बुक निकालनी है? मेंटल मैथ्स बुक निकालिए, पेज नंबर 35। ओके मैम। मैम दूसरा पार्ट दिखाइए, दूसरा। बच्चा वेट कर लीजिए, अदीब आपको इतनी जल्दी क्या है, माइक बंद कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स पहला वाला क्वेश्चन आपने किया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम देखेंगे, अ लेडी बॉट 5 kg 800 ग्राम ऑफ डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। शी यूज 3 kg 600 ग्राम ऑफ इट। हाउ मच डिटर्जेंट लेस वेट आर नाउ। एक लेडी होती है, वो लाती है कप, उसको कपड़े वॉश करने होते हैं, धोने होते हैं, उसके लिए वो डिटर्जेंट लाती है जिसे कपड़े धोते हैं, हम उसे डिटर्जेंट कहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर वो लाती है। उसका जो वेट होता है 5 kg 800 ग्राम, ठीक। उसमें से वो वे ये जो डिटर्जेंट वो लाती है वो यूज करती है, उसका वेट होता है। बेटा यही है ना पहला वाला पार्ट मैम, वो ना हैंड बैग, यही है वो। इसमें जो वो यूज करती है डिटर्जेंट बैटिंग, उसका वेट होता है। मैम दूसरा वाला दिखाए। और हमें कहना है कि उसका डिटर्जेंट जब वो लाती है उसका वेट होता है 5 kg 800 ग्राम, यूज करते 3 kg 600 ग्राम, तो उसमें डिटर्जेंट को कितना फिर बचता है, कितना रहता है जब वो कपड़े धोती है, ठीक है। तो वो लाती है डिटर्जेंट, उसका वेट होता है 5 kg 800 ग्राम, यूज करती है 3 kg 600 ग्राम, तो डिटर्जेंट जो रहता है उसको हम करेंगे माइनस, तभी जाके वहां पे निकलेगा कि रिमेनिंग डिटर्जेंट कितना है, उसका वेट कितना है। तो 0 - 0 0 0 - 0 0 8 - 6, बताइए 8 को माइनस कर लीजिए 6। हाँ 5 - 3 2 2। वेरी गुड। 5 - 3 5 - 3 2। तो इसका जो डिटर्जेंट लेफ्ट होता है वो है 2 kg 200 ग्राम। इसमें जो डिटर्जेंट लेफ्ट होता है दैट इज 2 kg and 200 grams, ठीक। 8 - 6 2 5 - 3 2। मैम हाँ जी, आपका स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। ब्लैक आ रहा है? यस मैम। मैं आप हुआ ठीक? ओके डियर,
यहाँ पे हमें माइनस करना है 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 8 - 6 = 2, 5 - 3 = 2, तो आंसर आएगा 2 kg और 200 ग्राम। ठीक है, किया सब उन्हें दो क्वेश्चन? राहुल का वेट होता है 38 kg और मोहित का होता है 32 kg का, इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा होता है और कितना ज्यादा होता है, तो इसको भी हम करेंगे माइनस। राहुल का वेट होता है 38 kg और रोहित का होता है 32 kg, इसके बाद हम इन दोनों का करेंगे सब्ट्रैक्शन। 8 - 2 कर लीजिए, 8 - 2 कितना होता है 0, तो यहाँ पे आएगा 6 kg। ठीक है जी। तो राहुल का वेट होता है 38 kg, मोहित का होता है 32 kg, दोनों में से किसका वेट ज्यादा और कितना है, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 8 - 2 = 6, 3 - 3 = 0, तो आंसर आएगा 6 kg। ठीक है, मैंने लिखा। अदीबा बार बार के माइक ऑन करती है। मैम 6 के पास क्या है? ये 0 है, 0। ओके मैम। 3 - 3 = 0। लिखा लिखा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज संध्या बॉट 2 kg 350 g of rice and the same amount of flour. Find the total weight of the items purchased by her. संध्या एक लड़की होती है, वो लाती है 2 kg 350 g rice और flour भी लाता है इतना ही वेट का। ठीक है, मैं बताना है टोटल वो कितना लाते, दोनों का वेट कितना होता है, दोनों मिला के फ्लोर और राइस का हमें वो निकालना है टोटल वेट कितना बनता है। तो वेट लाती है वो 2 kg 350 g और राइस फ्लोर भी लाती है, यहाँ पे राइस 2 kg 350 g, फ्लोर भी लाती है 2 kg 350 g, दोनों का हम करेंगे एडिशन, वो निकलेगा टोटल वेट दोनों का कितना है। तो 0 + 0 = 0, 5 + 5 = 10, 0, 1 आएगा कैरी, 3 + 3 = 6, 6 + 1 = 7, 2 + 2 = 4, तो आंसर आएगा 4 kg 700 g। ठीक है, फिजा जान आपने किए 4 क्वेश्चंस, जो सारे क्वेश्चंस हैं। यस मैम। ओके डियर, फिजा जान आप मुझे होमवर्क दिखाइए, पेज नंबर 34। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए, इसका इसी का सब्ट्रैक्शन जो है, पेज नंबर 34 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो आपने नहीं किया है, ये क्यों नहीं किया आपने फिजा? फिजा जान मैं मुझे भूल गया, मैंने किया सारा। बेटे अभी कर लीजिए ये फिजा, अभी कर लीजिए कंप्लीट। मैंने भी नहीं किया है अधिवन, मैंने सारा किया। दिखाइए अहमद, अहमद तारिक काम दिखाइए। मैम साली के जज, साली के जज माइक बंद कर लीजिए। अहमद तारिक पेज नंबर 34 दिखाइए, पेज 34 क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड, सालिक एजाज दिखाइए होमवर्क। मैं मुझे दिखाइए, मैंने दिखाऊं? अदीबा वो आपकी होमवर्क है, मैं कैसे आपको दिखाऊंगी? तो आपको घर में करना था प्लस और सब्ट्रैक्शन करना था, आपको खुद से नहीं आएगा करना सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो आप अभी कर लीजिए। काले पेज नंबर 34 अभी कर लीजिए कंप्लीट, पेज नंबर 34 अभी कर लीजिए कंप्लीट। ठीक है, हाजिम अब्बास, हाजिम अब्बास
हाजिम अब्बास, जैद रियाज, नाम दिखाइए पेज नंबर 34। मैंने लिखा वो। अकील माइक बंद कर लीजिए। जैद रियाज जल्दी से दिखाइए होमवर्क पेज नंबर 34। जैद रियाज अकील मुख्तियार जैद रियाज पेज नंबर 34 दिखाइए पेज 34। किया है आपने माइक ऑन कर लीजिए। जैद माइक ऑन कर लीजिए। आपने किया है पेज नंबर 34? नो मैम। किया है हाँ या ना बताइए। किया है नहीं? अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिए जल्दी से। दिखाइए अकील होमवर्क। मैं मैंने नहीं किया है। आपने भी नहीं किया है पेज नंबर 34? नो मैम। बेटा अभी कर लीजिए। आप लोग होमवर्क क्यों नहीं करते हैं? अगर आपको टीचर बोलता है कोई काम करने के लिए घर में, आप क्यों नहीं करते हैं? अकील जल्दी से कर लीजिए। फिजा वीडियो ऑन रख लीजिए। जैद वीडियो ऑन रख लीजिए। साली कर लीजिए ये वाला पेज जल्दी से। इफ्रा होमवर्क दिखाइए। मैं भूल गई। आपने भी नहीं किया है, अभी कर लीजिए। आयान सजाद वीडियो ऑन कर लीजिए। आयान दिखाइए अपना होमवर्क। यस मैम। होमवर्क दिखाइए। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से दिखाइए। कैमरा दूर रखिए थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड आयान। आयत जान होमवर्क दिखाइए। मैं मैंने अभी नहीं की। क्यों बच्चा, आपने क्यों नहीं की होमवर्क? मैं भूल गई। बेटा अभी कर लीजिए ठीक है। ओके मैम। तंजीला इरफान, तंजीला इरफान वीडियो ऑन कर लीजिए। तंजीला, तंजीला वीडियो ऑन कर लीजिए। तंजीला इरफान वीडियो ऑन कर लीजिए जल्दी से। यस मैम। दिखाइए मुझे होमवर्क पेज नंबर 34। होमवर्क किया आपने तंजीला? मैम जी। मैम एक्टिविटी मैंने कभी पर बनाई थी? डियर मैंने आपको बोला था एक्टिविटी का वीडियो बनाइए, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए। खाली अकील मुख्तियार ने वो कल एक्टिविटी सेंड की है, बाकी किसी भी बच्चे ने एक्टिविटी सेंड नहीं की है। मैं दूसरी बनाऊंगा। तो स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट करूंगी वो एक्टिविटी क्या है। आपको मैच बॉक्स से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और बैंगल से आपको सर्कल ड्रॉ करना है और आपको डाइस या कोई भी ऐसी शेप जो स्क्वायर में होगी जिसके चारों साइड इक्वल होंगे उसे आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है और उनका उन एक्टिविटीज का आपको वीडियो बनाना है, फिर आपको वो व्हाट्सएप पे सेंड करना है ठीक है। समझ में आया? यस मैम।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको आप थोड़ा सा पूछूंगी जो हमने पढ़ा. मैंने आपसे परसों बोला था कि आप प्रॉपर्टीज करेंगे लर्न शेप्स के. मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी. अहमद तारिक माइक ऑन कर लीजिए. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर आप मुझे बताएंगे. प्रॉपर्टी बताइए स्क्वायर की. स्क्वायर शेप की प्रॉपर्टी बताइए क्या है. स्क्वायर को फोर साइड्स फोर वर्टिकल फोर साइड्स होते हैं और क्या होते हैं. मैंने लाए हैं वर्टिसेस. ओके फोर साइड जो स्क्वायर में होते हैं वो क्या होते हैं. इक्वल. ओके वेरी गुड. अकील मुख्तार रेक्टेंगल की शेप की प्रॉपर्टी बताइए मुझे. मैम उसके तीन साइड होते हैं. यस और वर्टिसेस कितने होते हैं रेक्टेंगल में. मैम उसके तीन वर्टिसेस हैं जी. उसके तीन वर्टिसेस होते हैं. ओके कितने वर्टिसेस होते हैं. कितने वर्टिसेस होते हैं रेक्टेंगल में. मैम थ्री थ्री ताली के जा. प्रॉपर्टी बताइए सर्कल शेप की. मैम प्रॉपर्टी बताइए क्या क्या क्या. मैं वॉल्यूम बढ़ाए. ताली के जा सर्कल शेप की प्रॉपर्टी बताइए. मैम उसके रेक्टेंगल के फोर होते हैं. ओके अकील आप माइक बंद कर लीजिए. आप बताइए सालिक सर्कल शेप की प्रॉपर्टी. यस मैं बना रहा हूँ. प्रॉपर्टी बताइए सर्कल की क्या है. सर्कल जी मैम सर्कल जल्दी. मैं आप क्या बोल रही हूँ. माइक बंद कर लीजिए. पिज़ा जान सर्कल शेप की प्रॉपर्टी बताइए. मैम उसमें कोई साइड नहीं होता और कोई ये कोई साइड नहीं होता है उसमें और कोई कॉर्नर नहीं होता यानी वर्टिसेस नहीं होते. पिज़ा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्टिसेस वर्टेक्स किसे हम कहते हैं. वर्टेक्स वर्टेक्स कहते किसको है. उसके कोनों को. वेरी गुड. जहाँ पे दो साइड एक पॉइंट पे मिलते हैं उसे कहते हैं वर्टेक्स. एक्सीलेंट पिज़ा. आयान आप मुझे बताइए ट्रायंगल शेप की प्रॉपर्टी. ट्रायंगल शेप की प्रॉपर्टी बताइए. ट्रायंगल की थ्री साइड्स होते हैं. ओके और थ्री वर्टिकल साइड्स थ्री वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस साइड्स. आयान क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. यस मैम इक्वल होते हैं. ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. नो मैम. तो ज़ैद रियाज ज़ैद रियाज. यस मैम ट्रायंगल की शेप की प्रॉपर्टी बताइए. थ्री साइड्स. यस थ्री वर्टिसेस. ओके क्या ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. यस मैम. इकराम मेहराज. अहमद तारिक. क्या ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. यस मैम. नो मैम. नो मैम नहीं होते हैं. मैम दो साइड होते हैं. नो डियर मैंने आपसे बोला ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है ना. ये जरूरी नहीं कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो गए. वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है ना. ओके तो रेक्टेंगल शेप की प्रॉपर्टी बताइए आप. आयत जान
आयत जान यस मैम रेक्टेंगल शेप की प्रॉपर्टी बताइए. रेक्टेंगल की फोर साइड्स होते हैं और कितने साइड हाँ कितने साइड्स होते हैं रेक्टेंगल में. फोर. ओके यस. और फोर वर्टिसेस होते हैं. ओके क्या रेक्टेंगल के चारों साइड्स इक्वल होते हैं. यस मैम. स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं. स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं या रेक्टेंगल में होते हैं. मैम नो इक्वल नहीं होते हैं. इक्वल साइड्स किस शेप में होते हैं. किस शेप में होते हैं. सारी साइड्स इक्वल होते हैं. स्क्वायर. ओके हाजिम अब्बास रेक्टेंगल की शेप में कौन सी साइड्स इक्वल होते हैं. मैं फिर से बोले रेक्टेंगल शेप में कौन सी साइड्स इक्वल होते हैं. मैम जी बताइए. मैम लेफ्ट लेफ्ट और राइट होता है. लेफ्ट. मैम फिर से बोले. वकील मुख्तियार रेक्टेंगल के कौन से साइड्स इक्वल होते हैं. मैम रेक्टेंगल के कौन इक्वल होते हैं. कौन मैम चार साइड इक्वल होते हैं. चारों साइड्स इक्वल होते हैं. फिजा जान रेक्टेंगल में कौन से साइड्स इक्वल होते हैं. मैम फिर से बोलिए. मैं मुझे आवाज नहीं आ रही थी. मैम अपोजिट साइड होते हैं. वेरी गुड. तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. इन दोनों में एक ही डिफरेंस होती है. स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स खाली इक्वल होते हैं. ठीक है. और दोनों में है चार चार साइड्स होते हैं और चार वर्टिसेस होते हैं. ट्रायंगल की शेप में होते हैं तीन साइड्स तीन वर्टिसेस. और उसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते. ये जरूरी नहीं कि ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होगी. ठीक है ना. तो ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. और सर्कल के शेप में कोई भी साइड नहीं होता है. कोई भी कॉर्नर नहीं होता है. वो क्लोज्ड शेप होती है. ठीक है. तो इसलिए इसमें कोई भी साइड और कॉर्नर नहीं होता है. वो कर्व्ड शेप होती है. राउंड शेप. ओके गॉट इट. गॉट इट. समझ में आया. स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है. खाली एक डिफरेंस है इसमें. स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक ही फर्क है. स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है. क्लियर हो गया. मैम सर्कल में क्या होता है. सर्कल में कोई भी साइड नहीं होता है. कोई भी कॉर्नर नहीं होता है. ठीक है. वो राउंड शेप होते हैं. क्लोज शेप फिगर होती है. बंद फिगर होती है. राउंड होती है. ठीक. अब आपको समझ आया कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है. yes, क्या डिफरेंस है. मैं फिर से समझाइए. yes, इक्वल होते हैं. स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल में क्या होता है. अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. गुड एक्सीलेंट. तो स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आपने ये पेज नंबर जो मैंने अभी बोला जो आपने होमवर्क नहीं की थी पेज नंबर 34 वो आपने सबों ने की. पेज 34. यस मैम. किया सबों ने होमवर्क. मैं कल सबसे पहले आपकी जो आज की होमवर्क जो आपने नहीं की थी लास्ट वीक पेज नंबर 34 मैम ये उसके बाद हम जी ये फेयर कॉपी पे भी करनी है. कौन सा ये मेंडल का था. जी नहीं. हाँ. नहीं
मेंटल मैथ होती है, वर्कबुक आपको फेयर कॉपी पे करना नहीं होता है, ठीक है? तो जो आज की जो आपने होमवर्क नहीं की थी लास्ट वीक की, पेज नंबर 34, आप ये अगर किसी ने अभी भी नहीं किया वो करेगा आज कंप्लीट, और कल सबसे पहले मैं ये आपको पेज नंबर 34 शेयर करूंगी। हेलो डियर, आप अपना कल देखेंगी। तो स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।